नमस्कार, स्वागत है आपका एक और बहुत अच्छी प्रस्तुति में केजीएफ के बारे में। जी हाँ, मैं केजीएफ के बारे में काफी दिनों से चुप बैठा हुआ हूँ, क्योंकि मैं इस बात पर मंथन कर रहा था बैठ करके कि केजीएफ सिर्फ दो हिस्सों में क्यों बने। आपने देखा कि इस फिल्म में इतने किरदार हैं, इतनी अलग अलग घटनाएं हो रही हैं, इतने अलग अलग तरह के लोग क्लेम कर रहे हैं स्टेक अपना उस कोलार गोल्ड फील्ड के ऊपर, कि मुझे लगता है कि इस फिल्म को यदि एक ट्रिलॉजी के रूप में बनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। इसलिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं केजीएफ 3 के बारे में बात करूं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। आमतौर पर जो है, एक फिल्म जिस पर कि आपका साल दो साल खर्च हो रहा है, उसके प्रति बंधे रहना, उसके साथ चलते रहना बहुत कठिन कार्य होता है। मैं समझता हूँ इस बारे में। आप अभी भी यदि यश को देखें, वो मिट्टी के ढेर पर बैठ करके जो है एक नॉर्मल थाली में से जो सेट पे लोग खा रहे हैं वही खाना खा रहे हैं आपको दिखाई देंगे। कहीं कहीं आपको जो है वो थक करके किसी जगह पर किसी लकड़ी के टुकड़े पर बैठे हुए दिखाई देंगे। बहुत कष्टदायक होता है केजीएफ 3 या केजीएफ की जैसी फिल्म बनाना। और मैं बताऊं कि अगर मैं वैसे में केजीएफ 3 की डिमांड कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से फिज़िकली और सोशली और पर्सनली बहुत बड़ी डिमांड हो जाती है किसी भी कलाकार से। लेकिन मैं चाहूँगा कि केजीएफ 3 बने, इसलिए क्योंकि कहानी जो है वो अभी और दूर तक जा सकती है। कहानी एक ऐसी दिशा ले सकती है जहाँ पर आप एक कम्प्लीटली नया आयाम देखेंगे केजीएफ का। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। केजीएफ 1 जो थी, वहाँ पर आपने देखा उदय रॉकी भाई का, कि रॉकी भाई किस तरह से जो है एक छोटा मोटा उठाई गिरा से लेकर के एक कोलार गोल्ड फील्ड के मालिक की हैसियत तक जा बैठता है। ऑब्वियसली अब जब उसने गरुड़ा को मार दिया है, तो उसके बाद अब कोलार के अगल बगल के तमाम लोग तो उसी की तरफ देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से पार्ट 2 में वो कोलार गोल्ड फील्ड को न सिर्फ कि टेक ओवर करता है, बल्कि वो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जहां पर भारत सरकार से लेकर के इनायत खलील, ये तमाम जितने लोग हैं, ये सारे उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन कहानी अभी जो है कई चरणों में बची हुई है। बात यह है कि अभी एक सबसे बड़ा युद्ध जो आने वाला है वो है अधीरा के साथ, क्योंकि अधीरा जो है वो अपने आप में एक बहुत केपेबल विलन के तौर पे बन के निकला है। क्योंकि उसका लास्ट का जो डायलॉग था कि और भैया कहते हैं कि मुझे राजनीति नहीं आती, ये बोलना जो उसका था, ये मेरे ख्याल से कंप्लीटली जो है कहानी को बदल देता है। उन 5 सेकेंड में जितना टाइम लगा उस डायलॉग को बोलने में, और जब कहानी बदल जाती है, जब अधीरा इतना बड़ा विलन बनता है, तो अधीरा को आप बोलें कि मैं एक चौथाई फिल्म में समेट के रख दूं या उसे शेयर कराऊं स्क्रीन पूरे 4-5 विलन्स के साथ, नॉट पॉसिबल। मेरे ख्याल से जो चैप्टर 2 होना चाहिए वो रॉकी भाई और अधीरा के बीच का जो युद्ध है, जिसमें कि बीच बीच में भारत सरकार की जो वो है पहल है वो बीच बीच में आती रहती है, ये होना चाहिए। और इसको ख़त्म करने के बाद पार्ट 3 में इनायत खलील के साथ खुला युद्ध होना चाहिए। तो अगर इनायत खलील के साथ खुला युद्ध आप 2 ही में करवा देंगे तो वो आनंद नहीं आएगा। मैं अभी ये सिर्फ विचार डाल रहा हूँ आपके मन में। आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आपको ये विचार पसंद आया या नहीं आया। मिलता हूँ एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, बहुत अच्छी अच्छी खबरें देने के लिए भी और बची हुई हैं आपके लिए। एक सेकंड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले प्लीज। थैंक यू।